हेलो बच्चों, अब आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और दूसरा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें दो रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल में एक्टिव मेटल्स देते हैं। एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जो रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड होते हैं, जिसका लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो अब देखो हमने लिया अल्कोहल, अल्कोहल को रिएक्ट किया मेटल, मेटल नाम लिख दिया कुछ, जैसे कि सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम लिख दिया। ठीक है ना, ये मेटल ही वाले। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये जो अब ये यहाँ का बॉन्ड ओ और एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये मेटल इस एच को रिप्लेस करेगा, एच यहाँ पर आएगा, तो ये बन गया आपका मेटल एल्कोक्साइड या फिर एल्कोक्साइड बोल दो, और उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। ठीक है, अगर आपने सोडियम मेटल लिया तो सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम मेटल लिया तो पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। बस इन दोनों की वैलेंस 1 1 है, इसकी 3, तो वो जरा बैलेंसी का ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब जो ठीक है, आप कोई भी एग्जाम बना सकते हैं और कोई भी अल्कोहल लेकर। ठीक है, उसके फिर आपको याद रखना है कि अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। तो अल्कोहल में होता है OH ग्रुप, तो ये होता है पोलार, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज, देख रहा है पोलार। ये जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम हो गई है। अब इसमें सेकेंडरी देखेंगे तो दो अल्काइल ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो अब इस OH ग्रुप की पोलैरिटी प्राइमरी से और कम हो गई, मतलब ये होगा लेस एसिडिक कैरेक्टर। अब टर्शियरी में तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, 1 2 और 3, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो ये पोलैरिटी और कम हो गई, तो और एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जाओगे तो OH ग्रुप की पोलैरिटी डिक्रीज होते जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर ही हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब उस वाटर इससे भी ज़्यादा अल्कोहल होता है, तो वाटर अब ऐसा कर देता हूँ, इससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है आपका फिनॉल, तो AROH, तो आपका पूरा अल्कोहल फिनॉल सब ऑर्डर मैंने बना दिया, फिनिश कंप्लीट ऑर्डर हो गया अल्कोहल का, अल्कोहल और फिनॉल के बीच अल्कोहल फिनॉल वाटर तीनों में कंपेरिजन एक साथ कर दिया है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रख लीजिए, MCQ में क्या लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं, अब दूसरा भी इस्टरीफिकेशन देखते हैं अभी। ठीक है ना, इस्टरीफिकेशन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन मेन जो कंसेप्ट है उसको जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो पोर्शन बहुत बचा हुआ है और कवर जल्दी करने का। ठीक है, अब मैं पूरे पेपर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ज़्यादा मैं अभी। ठीक है ना, उसी हिसाब से बना रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम आने दूंगा नहीं, जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरे से मदद हो सकती है, ध्यान रखना मेरे से जितनी मदद हो सकती करूँगा मैं। कंटिन्यूस रोज कर वीडियो लोड है अपलोड कर रहा हूँ, एक तो मैं CET का भी कर रहा हूँ और एक मैं NEET का भी कर रहा हूँ। अब JEE तो नज़दीकी आ गई है, तो देखता हूँ उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं JEE के लिए। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा उनके लिए, JEE वालों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट निकल के बताऊँगा, ये चैप्टर आप कर लीजिए, तो बस उतना हेल्प कर सकता हूँ, पढ़ाने तो पॉसिबल है इतना कम टाइम में। अब जितना मैं पढ़ा और नीट का जो पढ़ा वो JEE काम आएगा, जो बच्चे दे रहे होंगे JEE देना है, तो ये जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जितना मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तक वो आप कर लीजिए कवर, तक उनका भी बेनिफिट हो जाएगा JEE का भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड जो है इस्टरीफिकेशन, अब देखते हैं क्या देखेंगे, इस्टरीफिकेशन। ठीक है ना, इस्टरीफिकेशन, तो अब देखिए जरा यहाँ पे इस्टरीफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ इस्टर होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जनरल रिएक्शन समझते हैं, अल्कोहल को हम किससे रिएक्ट करेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड RCOOH ऐसे लिख रहा हूँ, इसे जल्दी से हो जाए। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड HCl H2SO4, जनरली H2SO4 लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड इसका तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है अल्कोहल का, क्योंकि उस पर बेस रिएक्शन है, तो ठीक है, तो यहाँ का अब देखो ये जो H है वो किससे रिप्लेस होने वाला है, अभी वो देख लीजिए, तो यहाँ पे RCOO इससे रिप्लेस होगा, ये ग्रुप पूरे इसको रिप्लेस कर देगा, ये इधर आ जाएगा और यहाँ बनेगा आपका क्या RC OO, ये आएगा, तो ये जाके इधर आपका यहाँ अटैच हो रहा है, तो OR- कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है, प्लस क्या निकलेगा इसमें से, वाटर, बन गया ईस्टर।
ठीक है, एक तो इससे कर सक करके बनेगा, दूसरा ये हो गया पहला इसके अंदर, सेकंड देखते हैं इसके अंदर। अब हमने लिया अल्कोहल लिया, उसको हमने रिएक्ट किया असाइल क्लोराइड के साथ, असाइल क्लोराइड इंडिपेंडेंस ऑफ यहाँ पे लेना चाहिए पायरेडीन या पिरिडीन भी बोलते हैं कहेंगे इसको, पायरेडीन पिरिडीन जो बोलना है बोलो, कुछ नहीं होता। तो अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस एच को हम रिप्लेस करेंगे RCO, इधर आ गया, अब क्या बना है ईस्टर RC OR -H2O, देख लीजिए इसको आप चाहते स्प्लिट कर लिख दो ऐसा, डबल बॉन्ड ओ हो गया। तीसरा जो है अभी ईस्टर बनाएगा, तो हमने लिया अल्कोहल लिया, इसको हमने किससे रिएक्ट किया अल्कोहल को, एसिड अनहाइड्राइड RCO इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन, ठीक है। तो अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, तो RCO ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा आपका इधर अटैच, तो यहाँ पर आपका RC OR -RCOOH। ये सभी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम देखें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे बोलेंगे, ये तो मैंने इस हिसाब से बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ का एल्कोऑक्साइड आयन इस किसको रिप्लेस कर मतलब ये जो एल्कोऑक्साइड आयन है ये हाइड्रोऑक्साइड को, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक में कैसे बोल रहा हूँ, एल्कोऑक्साइड आयन इस OH को रिप्लेस कर, OH इधर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ का एल्कोऑक्साइड आयन इस क्लोराइड को रिप्लेस कर, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का एल्कोऑक्साइड आयन, ठीक है ना, ये आपका RCOO- कार्बोक्सिल आयन को रिप्लेस करेगा। तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तीनों की तीनों, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है एल्कोहल को, सभी में याद रखना है एल्कोऑक्साइड आयन जो है वो किस किस को रिप्लेस कर रहा है, एक तो एल्कोऑक्साइड जो आयन है वो किस किस को रिप्लेस कर रहा है, ध्यान से देखेंगे अभी आप लोग, ये रिप्लेस कर रहा है किसको, एक तो हाइड्रोऑक्साइड आयन को रिप्लेस कर रहा है, दूसरा ये रिप्लेस कर रहा है क्लोराइड आयन को, तीसरा ये रिप्लेस कर रहा है RCOO- कार्बोक्सिल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया एस्टरीफिकेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें चार रिएक्शन है, जिसमें से दो रिएक्शन हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड अरीन्स में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, तो टाइम बचा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में अल्कोहल बिहेव कर रहा है एज अ बेस, क्योंकि OH डोनेट कर रहा है, प्रीवियस में जो था उसमें हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, मतलब एसिड। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, चार रिएक्शन नाम ले लेता हूँ जो दो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो रिएक्शन विथ, देख लीजिए अब रिएक्शन विथ HX पढ़ चुके हैं हम लोग, HCl, HBr, HCl याद आएगा, लुकास रिएजेंट सब उसमें आ गया। सेकेंड देखते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड और उसी में थायोनिल क्लोराइड, ये सब अपना हो चुका है, ये फॉस्फोरस हैलाइड ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड, ये तीनों के तीनों हम पढ़ चुके हैं। ये दो रिएक्शन अपने हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स में पढ़ चुके, डबल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब थर्ड, दो रिपीट है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, थर्ड डिहाइड्रेशन देखते हैं। अब यहाँ पर थर्ड देखेंगे, यहाँ पर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल, क्या देखेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल देखना है हमको इसमें। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के आपको टेम्परेचर याद होना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन मीनिंग समझ आ गया आपको, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आपको क्या करना है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, सॉरी यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वाटर फ्रॉम अल्कोहल। तो अब देख लीजिए पहले, अब इसमें क्या करते हैं प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, पहले मैं फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया प्राइमरी अल्कोहल का CH3CH2OH, तो मैंने इसका H को नीचे लिख दिया, एक यहाँ पे OH को नीचे लिखता हूँ, ये प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल,
मिथाइल एल्कोहल डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल एल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एल्कोहल कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन, देखो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन बीटा, थर्ड गामा, डेल्टा, ओमेगा, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। तो देखो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको यहाँ अगर आप दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, पहला अगर आप लेते हैं यहाँ पे क्या 95% लेना है प्राइमरी में, 95% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर 443 केल्विन। अगर आप यहाँ पे लेते हैं एल्यूमिना Al2O3 तो टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे 623 केल्विन, ठीक है, दोनों में इसको एक लेना है, ये प्रोटिक एसिड है और ये आपका कैटलिस्ट है एल्यूमिना, टेम्परेचर का ज़रा ध्यान रखना है प्राइमरी में, और मिथाइल हैलाइड का मतलब मिथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, अब यहाँ बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बराबर है, ये हो गया प्राइमरी। अगर हम फिर कोई भी लीजिए प्राइमरी, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकेंडरी एल्कोहल CH3 यहाँ पे लिया मैंने OH, ये सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है ना। अब सेकेंड एल्कोहल की कंडीशन आपको याद रखना है, यहाँ पे हम लेते हैं 60% सल्फ्यूरिक एसिड, कितना लेंगे 60% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर लेंगे यहाँ पर 373 केल्विन, अगर आप लेते हैं 60% सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप एल्यूमिनियम लेते हैं तो इससे 100 केल्विन का कम करते टेम्परेचर, एल्यूमिनियम लिया Al2O3 और इसमें 100 मैंने कम कर दिया 100, ये हो गया 523 केल्विन, ठीक है। अब देखो अल्फा कार्बन से OH बीटा, यहाँ एक बीटा है यहाँ पे दूसरा बीटा है, लेकिन दोनों का सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सेटजेफ रूल नहीं लगेगा। सेटजेफ कब लगता है, जब हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, जब दोनों साइड अनसिमेट्रिकल हो, बताऊंगा अभी इसको, तो इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ से अब कहीं से यहाँ से H निकाल सकते हैं, यहाँ से H, क्योंकि सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये देखो प्रोपीन बन गया। अब अनसिमेट्रिक लेते हैं सेकेंड हेफ, तो उसको मैं ऐसा करता हूँ चेंज CH3 CH2, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर इस बीटा के पास 3 हाइड्रोजन, इधर 2, तो अभी आपको कहाँ से निकालना है सेट जब भी रूल लगता है केमिस्ट्री में, जहाँ कम रहते हैं, कम लेस नंबर को वहाँ ये करते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, मतलब अभी आपको कहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला है, यहाँ से ही, तो ये निकलेगा आपको हाइड्रोजन। अब ये बना आपका यहाँ से ब्यूट टू इन बनेगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट टू इन मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, इधर से निकलेगा यहाँ से H और यहाँ से OH, ठीक है ना, माइनर में अपोजिट टू द रूल माइनर, और अकॉर्डिंग टू रूल निकाल रहे हैं। इसमें हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, सेटजेफ रूल फॉर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये जो ब्यूट टू इन है, ये अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूँ, उसके ऑपोजिट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और नीचे लिख देता हूँ वाटर, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये ब्यूट वन इन, ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट ऑपोजिट टू द रूल है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट, और ये है ब्यूट टू इन, ये है मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल, ये बहुत काम का है, ठीक है। सेकेंडरी में सेटजेफ रूल लगने वाला है, ठीक है, जब कम ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो सेम रहा, तो कोई रूल लगता ही नहीं है, ठीक है ना। अब टर्शियरी लेंगे, उसमें सेम है, उसमें टर्शियरी का एग्जाम लेना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन बतानी पड़ेगी ना, ठीक है। इतना देख लिया अभी हम लोगों ने, अब हम देखते हैं यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल, मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH3 CH3, यहाँ लेता हूँ OH और यहाँ पे लेता हूँ CH3। अब ध्यान देंगे जरा, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, लेकिन तीनों के पास सेम हाइड्रोजन, आप यहाँ से H निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ की कंडीशन समझ लेते हैं, यहाँ का H में निकाल लेता हूँ एक का, ये हो गया इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल से अगर वाटर निकलता है इंट्रा, अगर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स निकलेगा वाटर तो उसको लेंगे इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 20% लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर लेंगे 363 केल्विन, अगर आपने यहाँ पे एल्यूमिना लिया तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 423 केल्विन, देख लीजिए। तो यहाँ बना आपका अल्कीन, देखो CH3 CH3, अब यहाँ डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, आइसोब्यूटाइलिन बन गया,
देख लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिए जरा इसको। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अब लास्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मीनिंग क्लियर रख लीजिए। अब ऑक्सीडेशन, ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, बराबर है, और यहाँ पे लिया मैंने नेसेंट ऑक्सीजन, और ये प्रोड्यूस होगा किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। तो H+ लिख सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, H+ लिखा होता है एसिडिफाइड, OH लिखा तो अल्कलाइन, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जरा यहाँ से, तो इसको अब ऑक्सीडाइज करना है। तो अभी देखो OH ग्रुप से H एक निकल गया, मैकेनिज्म समझ लीजिए, और ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा, तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया आपका क्या, वाटर बाहर निकल गया, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, देख लीजिए CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO+H2O एल्डिहाइड्स बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोऑक्सिलिक एसिड, जब ये अल्डिहाइड जो बना है ये प्राइमरी अल्कोहल से भी फास्ट ऑक्सीडाइज होने वाला है, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे लेते हैं K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो अब इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3COOH कार्बोऑक्सिलिक एसिड बना। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने, इसमें कार्बन टू कार्बन, इसमें कितने टू कार्बन, इसमें कितने, तो उसको यही लिया है टू कार्बन, यहाँ पर लिया टू कार्बन। तो दोनों ऑक्सीडेशन मतलब थ्रू आउट ऑक्सीडेशन में एक भी कार्बन डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया प्राइमरी का, अब देखते हैं सेकेंडरी का। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, उसका एग्जांपल, तो CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे लेते हैं K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट HCl, बराबर है। अब ध्यान देंगे ज़रा, अब ये अल्फा कार्बन है और ये OH, तो सेम प्रोसेस, OH से H निकल गया, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, और ये ऑक्सीजन जगह इसमें आता है H, तो बन गया वाटर, वाटर निकल गया बाहर, यहाँ लिखा था -H2O और यहाँ लिखा था प्रोडक्ट CH3C OCH3। देखो अब प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना, कीटोन, कीटोन रजिस्ट ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या, नहीं यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन ग्रुप है CO, वहाँ पे CHOH था उसमें, बराबर है, तो ये रजिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल, तो अब यहाँ पे हमने लिया CH3CH3, एक काम करता हूँ इसी को बता देता हूँ, टर्शियरी, देखो टर्शियरी अल्कोहल, तो इसको मैं ऐसा ले देता हूँ, एक CH3 में बढ़ा देता हूँ, ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। इसके साथ अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रो एटम नहीं है, दिख रहा है आपको, अल्फा हाइड्रो एटम इसमें नहीं है, तो टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो पहले इसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट यूज़ करेंगे या फिर क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं ये CrO3, या फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप क्या एसिडिक, क्या यूज़ कर सकते हैं KMnO4 एसिडिक यूज़ करना है। तो पहले डिहाइड होगा, मतलब यहाँ से अल्फा से OH ग्रुप और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, बीटा हाइड्रोजन, तो ये निकल गया वाटर। अब यहाँ क्या बना CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2
प्लस एच टू ओ डिहाइड्रेट हो गया, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो तो यहाँ पे देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा CrO3, दोनों से कोई एक लेना है, ठीक है ना। तो मैंने एक ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच, तो CO हो गया CH3CO CH3, मतलब बन गया कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया कीटोन, ठीक है ना। प्लस अब ये कार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा, हाइड्रोजन वाटर में हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल चार, तो बना यहाँ पे CO2 प्लस H2O, फिनिश हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा पार्ट है डिहाइड्रोजनेशन, मतलब कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको, एक्चुअली ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है वो। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो हमने लिया यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, तो हमने यहाँ पे लिया CH3CH2OH, ठीक है। अब हमने इसको हीट किया कॉपर मेटल, टेम्परेचर 573 केल्विन, तो प्राइमरी अल्कोहल के वेपर्स के ऊपर पास किया हीटेड कॉपर के ऊपर, तो क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, मतलब वही रूल है, OH से H निकल जाएगा और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन आइटम, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पर CH3CHO प्लस H2 गैस ही बनेगा, एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे लिखता हूँ CH3CHOH, सेम कंडीशन कॉपर मेटल टेम्परेचर 573 केल्विन, तो ये अल्फा कार्बन है फंक्शन अटैच और ये OH, तो OH का H निकल गया, अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, देखो सेम प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो गया, और यहाँ बना आपका CH3CCH3 और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O प्लस H2 कीटो, देख लीजिए। अब देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, टर्शियरी में डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोएटम एब्सेंट है, उसमें देख लीजिए इसमें अल्फा हाइड्रोएटम एब्सेंट, यहाँ पे OH, तो अल्फा कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा डिहाइड्रेट होगा। कॉपर मेटल लिया टेम्परेचर 573 केल्विन लिया, ठीक है, इसके वेपर जैसे पास करेंगे तो डिहाइड्रेट होगा, यहाँ से OH और बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये बीटा कार्बन आपका, तो ये निकल गया आपका वाटर। अब यहाँ बना आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल और ईथर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ईथर, क्योंकि वो इजी है, फटाफट मूव करूँगा उसका मैं, ठीक है ना। चलिए तब तक आप इसको पढ़ते रहिए।